नमस्ते साथियों, सब्जेक्ट जो है वो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है। सब्जेक्ट कोड आपका E303 है। उसका जो चैप्टर नंबर 7 है उसका सब पार्ट है 7.3, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। जैसा कि मेरे पिछले लेक्चर में आपको डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में बहुत अच्छी ढंग से आपको बता दिया था, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी बनावट के बारे में, उसके साइट सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया था। आज मैं आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है एक एग्जांपल के रूप में मैं बताना चाह रहा हूँ कि पोल माउंटेड सब स्टेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका जो एस्टिमेशन, इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती है और उसका एस्टिमेट जो है हमें किस तरह से तैयार किया जाता है, उस एस्टिमेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि सपोज पोल माउंटेड सब स्टेशन जो है वो आपका 100 KVA का है, मतलब 100 KVA का मतलब ट्रांसफार्मर जो हमने पोल माउंटेड सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगाया है उसकी जो रेटिंग है वो 100 KVA, 100 KVA। तो 100 KVA का जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमने लगाया है पोल माउंटेड, तो उसका जो एस्टिमेशंस जो है, लिस्ट ऑफ मटेरियल हम कैसे तैयार करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, उसका इंडेक्स जो है, उसमें लिस्ट ऑफ मटेरियल इंडेक्स बनाते हुए हम कैसे तैयार करेंगे, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो प्लीज़ इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि ये ट्रांसफार्मर जो है पोल माउंटेड सब स्टेशन है 100 KVA का और 11.4 KVA पोल माउंटेड सब स्टेशन, ये हम हेडिंग इसको देना चाह रहे हैं कि भाई ये लिस्ट ऑफ मटेरियल जो बनाएंगे वो आप हम जो बनाएंगे वो 11.4 KVA कोमा 100 KVA पोल माउंटेड सब स्टेशन। तो आप देखिए इसमें इंडेक्स जो बनेगी, इंडेक्स में आप बना सकते हैं, पहले आप सीरियल नंबर लिखें, उसके बाद में पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल्स लिखें, फिर क्वांटिटी लिखें, फिर अप्रोक्सीमेट रेट लिखें, उसके बाद में कॉस्ट लिखें, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। चूँकि अप्रोक्सीमेट इसलिए बता रहे हैं कि आज जो है हमने रेट बताई है, हो सकता है कल आपका उसमें बदलाव हो जाए, परसों इसमें बदलाव हो जाए, तो जो कॉस्ट लिखी जाएगी वो आपकी इसके अंदर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लिख रहे हैं। तो ये हो सकता है कि ये कॉस्ट जो है आज की कॉस्ट जो वर्तमान में कॉस्ट से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है भाई पोल है ये क्या कॉस्ट का लगभग मिलेगा, इसमें और भी जो चीज़ें लगेगी वो क्या किस कॉस्ट की लगेगी, थोड़ा बहुत आइडिया इससे मिल जाएगा। मेन मोटो हमारा इसमें ये है कि पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल्स, कि पोल माउंटेड सब स्टेशन यदि लगाने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन से सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये आप चार्ट बना लें, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल्स, क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट एंड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन रुपीज़। सबसे पहला मोटा जो सामग्री है, मतलब मुख्य जो सामग्री है पहले नंबर की, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, PCC पोल्स 8 मीटर लॉन्ग। PCC पोल जो होगा वो 8 मीटर लंबा होगा, प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट जिसे हम बोलते हैं पोल, तो 8 मीटर लॉन्ग। इसमें जो पोलों की संख्या जो होगी, क्वांटिटी होगी, 2 होगी। उसकी एक रेट, सपोज हम पोल की रेट 906 रुपये मान रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है इसकी 1812 रुपये हो जाएगी लास्ट में। इसी तरह से दूसरा जो नंबर हम बताना चाह रहे हैं वो है 11 KVA सब स्टेशन स्ट्रक्चर एक्सक्लूडिंग सपोर्ट। सपोर्ट देखिए पोल हमने आपको बता दिया है, अब ये सब स्टेशन स्ट्रक्चर सेट जो है पूरा एक सेट ही मिलता है, तो एक सेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। एक सेट की कीमत यदि 9,207.80 रुपये है तो उसका जो कॉस्ट आ जाएगा वो आपका 9,207.80 रुपये ही आएगा। तीसरा देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं 100 KVA 11.4 KVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ले लिया, क्योंकि ट्रांसफार्मर लेना ही पड़ेगा, ट्रांसफार्मर हमने 100 KVA का लिया। एक 100 KVA ट्रांसफार्मर की रेट 49,610 है, मतलब 49,610 रुपये है, तो कॉस्ट आपकी आ जाएगी 49,610, क्योंकि एक ही चाहिए हमें। नेक्स्ट चौथा जो मटेरियल हम लेना चाह रहे हैं वो है 11 KVA आइसोलेटिंग स्विच, 400 एम्पियर वाला डबल ब्रेक, तो एक सेट चाहिए। एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक पोल माउंटेड सब स्टेशन बनाना है, तो सेट आपका एक ही काम में लेना है, तो एक सेट, वन सेट लेंगे, उसका एक सेट की कीमत यदि 5,511.52 रुपये है तो इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट भी आपकी वही रहेगी, 5,511.52 रुपये।
अब ये देखिए कि नेक्स्ट जो लेना चाह रहे हैं हम केबल को लेना चाह रहे हैं, आठवां छठा जो पॉइंट आएगा वो आप लिखिए पीवीसी इंसुलेटेड केबल, आर्मर्ड केबल लिख दीजिए, पीवीसी इंसुलेटेड आर्मर्ड केबल, ARMOURED, आर्मर्ड, आर्मरिंग करी होती है उस केबल में। जो आर्मरिंग जो केबल है उसका 25 mm स्क्वायर की साइज़ का लेंगे, 4 कोर लेंगे। इसमें लगभग हमें 15 मीटर काम में इसको ट्रांसफार्मर को लेंगे कि ऊपर से जो आपका जो ट्रांसफार्मर का जो जोड़ने वाला जो चीज़ है एलटी साइड में जो केबल के जरिए एलटी साइड को ट्रांसफार्मर पोल माउंट जो आपके पोलों तक ले जाना है वो आपकी लगभग 15 मीटर केबल हमें काम में आएगी। और यदि सपोज उस केबल की रेट 50 रुपये पर मीटर है तो 15 मीटर की 750 रुपये आपका हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो हम लेंगे बिंदु छठा सातवां अर्थिंग सेट, अर्थिंग सेट हमने दो काम में लिए, एक दो काम में लेंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड दोनों पोल के वहाँ पर पोलों के वहाँ 634 रुपये एक है तो दोनों को आप जोड़ के इसमें लिख दीजिए। डेंजर प्लेट 11 kV की लिखेंगे, दो चाहिए हमें, एक की रेट 72.66 रुपये है तो दोनों को जोड़कर आप ये लिख दीजिए टोटल कॉस्ट। MS नट बोल्ट हमें असोर्टेड टाइप चाहिए, लगभग 10 किलो हमें इसमें पोल माउंटेड सब स्टेशन में ज़रूरत पड़ेगी। यदि नट बोल्ट का वज़न मार्केट में 37.75 रुपये यदि है तो 10 किलो का आप इसको 10 से गुणा करके वो चीज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है LT MCCB जिसे हम बोलते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, 3 phase 400 amperes का एक चाहिए। यदि उसकी कॉस्ट 3012 रुपये हैं तो आपका वो कॉस्ट अपने आप इधर वो आ जाएगी, इसको 3012 रुपये। नेक्स्ट हमें जो चाहिए ACSR वीजल कंडक्टर को जोड़ने के लिए, जैसे ड्रॉप आउट फ्यूज से अपना नीचे जो वायर जोड़ना है, डिस्क इंसुलेटर को इधर से TPMO स्विच को जोड़ना है, तो ये सारे जो जंपरिंग करनी है वो सारा वीजल कंडक्टर से हम करेंगे। तो वीजल कंडक्टर जो चाहिए हमें वो 10 मीटर लगभग चाहिए, तो ये 10 मीटर एक मीटर के जो जैसे लंबाई रेट है जो 12.68 रुपये हैं तो आप इसको 10 से गुणा करते हुए वो अमाउंट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट लिखें PG क्लैम्प्स जो होते हैं वो HT बुशिंग और LT बुशिंग के वहाँ जोड़ने के लिए काम में रहते हैं, कंडक्टर को जोड़ने के लिए, केबल को जोड़ने के लिए, ताकि उसका जो ग्रिप है वो अच्छा हो जाए। तो देखिए कि तीन तो 11 kV साइड में 11 kV बुशिंग जो आपकी वहाँ अपन PG क्लैम्प लगाएंगे और चार LT साइड में जो LT साइड की जो बुशिंग होगी वहाँ पर लगेंगे, तो 7 PG क्लैम्प्स हमें लगाए जाएंगे। और एक PG क्लैम्प की रेट सपोज 15 रुपये है तो उसको 15 को 7 से गुणा कर दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो पेटी आइटम्स लेंगे, पेटी आइटम में भूलवश कोई चीज़ ऐसी रह गई तो उसका अमाउंट लमसम हम यहाँ लिख सकते हैं, उसको लिखा जा सकता है 3000 रुपये लगभग, तो 3000 अपन ने लिख दिया। तो ये देखिए कि जब आप इसको तैयारी करेंगे, आप खुद इस इंडेक्स को आप तैयार करें और टोटल आप लगा दें, टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। इसके साथ में फिर इसको ओवरहेड चार्जेस 35% ओवरहेड चार्जेस इसमें ऐड कर लें, 35% ये आपके टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो हैं किसी पोल माउंटेड सब स्टेशन या किसी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का जो एस्टीमेशन है और उसमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी सामग्री की लिस्ट हमने आपको बताई है, उसकी क्वांटिटी बताई है, उसकी रेट बताई है और उसको अमाउंट से गुणा करते हुए टोटल कॉस्ट को आप निकाला जा सकता है बड़े आसानी से। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको एस्टीमेशन ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन के बारे में बताया। थैंक यू।